आए दिन शहर में बेरोजगारी का आलम है, लेकिन कुछ ऐसे भी नौजवान हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग करके अपना रोजगार का मुकाम हासिल किया है। 12th के बाद इंजीनियरिंग करने वाले विद्यार्थियों के लिए शासकीय अभियंत्रिकी कॉलेज में चर्चा सत्र का आयोजन किया गया था। इस मौके पर शहर के महानुभाव ने अपने अनुभव व्यक्त किए। कहते हैं, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। अपना बच्चा अच्छे से पढ़े लिखे, इसके लिए हर अभिभावक अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी आदि पढ़ाते हैं। लेकिन जब तक कोई टेक्निकल पढ़ाई नहीं करता, उसे अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य भी प्राप्त नहीं होता। शासकीय अभियंत्रिकी महाविद्यालय में जो विद्यार्थी 12th पास होकर जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है, वो विद्यार्थी अपने स्किल के माध्यम से ऊंचाइयां पा सकता है। ऐसे विचार व्यक्त करते हुए शहर के कई ऐसे पर्सनालिटी वालों ने चर्चा सत्र में भाग लेकर अपने अनुभव आयोजित चर्चा सत्र में शेयर किए। मुलांची प्लेसमेंट कशी होईल याकरता कंटिन्युअस मॉनिटरिंग सुरू आहे। वेगवेगळे उपक्रम राबवून वेगवेगळ्या कंपन्यांना अप्रोच करून सर्वच, म्हणजे पॉलिटेक्निक असो किंवा इंजिनिअरिंग असो, गव्हर्नमेंट असो की प्रायव्हेट असो, कुठलंही कॉलेज असू द्या, मुलांना एम्प्लॉयमेंट मिळाली पाहिजे यावरती जोर आहे आमचा। जर एम्प्लॉयमेंट मिळाली नाही तर तो बिझनेस करू शकेल किंवा काहीतरी करेल, याकडे सुद्धा आम्ही लक्ष देतोय। हायर एज्युकेशनला जाण्याकरता सुद्धा आम्ही असिस्ट करतोय। हे आमचे चार मिशन यावरती आम्ही काम करतोय। ही जी फील्ड आहे इंजिनिअरिंग, ही एकदम टेक्सटाईल मध्ये, मॅनेजमेंट, कम्युनिकेशन, इव्हन हॉटेल मॅनेजमेंट मध्ये सुद्धा आमचे लोक काम करतात। ते इंजिनिअरिंग ब्रेन हा एक इनोव्हेटिव्ह आणि क्रिएटिव्ह हा ऑटोमॅटिक तयार होत जातो, त्यामुळे मुलं जे आहे हे कुठल्याही फील्ड मध्ये जाऊ शकतात आणि सक्सेसफुल होतात। म्हणजे आज चालू व्हेंचर ज्या वर्क करतायत, ज्यांचं प्रोडक्शन सुरू आहे, त्या साधारण 800 ते 850 जे आहे, आधी कोविडच्या आधी जवळजवळ 1100 होत्या आणि आता जवळजवळ 200 ते 250 सुरू व्हायचे आहे। ऑबियस रिझन्स जे आहे ते डिमांड पण नाही आहे, फंड्स क्रंच आहे, त्यामुळे बऱ्याचशा छोट्या इंडस्ट्रीज ज्या आहेत त्या पण सुरू व्हायच्या आहेत। दुसरं एक सांगायचं म्हणजे आमच्या इंडस्ट्री एरिया मॅक्सिमम एमएसएमईज आहे, मायक्रो इंडस्ट्रीज आहे, 50 कोटी पर्यंत स्मॉल आहे आणि 250 कोटी पर्यंत मीडियम आहे। इतक्यातच गेल्या वर्षभरात लीडरशिप चेंज झालेली आहे। Almost like 30 unicorns, possibly by 2030, we are going to have almost like 100 unicorns with $1 billion valuations. Why this is going to be possible? This is going to be only possible because of this young people from the technology. Potentially growth-oriented career. Engineers, हमेशा से ही देश में ही नहीं विश्व में हमेशा अग्रणी माने गए हैं, क्योंकि इंजीनियर्स हम इंजीनियर वो काम करते हैं जिसमें हम साइंस और मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल्स को इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस और टेक्निकल प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हम हमारे इंडोरामा में जो मूल मंत्र पे काम करते हैं वो काम है डू इट राइट फर्स्ट टाइम एवरी टाइम। आप हमेशा अपना काम ऐसे करें कि वो पहली बार में ही बढ़िया हो और हमेशा आप उसी तरह से बढ़िया होते रहे। ऑनलाइन तो मुझे शायद बाद में लोग सुनेंगे, यहाँ जितने मुझे लोग सुन रहे थे, केवल एक क्वेश्चन सबसे पूछना चाह रहा हूँ। हालांकि हम सब जानते भी होंगे, राम रावण का युद्ध चल रहा है लंका में और लक्ष्मण जी बेहोश होते हैं और उनको अगर होश में लाना है तो कोई लोकल डॉक्टर जो भी होगा वहां पर वो एक ही चीज कहता है कि इनको जिंदा करने वाली बूटी वहां पे हिमाचल में हिमालय में उसको लाना पड़ेगा। और आखिरी फ्लाइट बची है, नाम था हनुमान, तो हनुमान निकले हैं वहां पर और पहुंचते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, हर चीज संजीवित करा दिखती है, ढूंढो कहां से। तो हम सब जानते हैं उस पर एक सॉल्यूशन हनुमान जी ने निकाला, और मैं बहुत भी जानता हूं यहां बैठे हर व्यक्ति को वो चीज पता है। क्या क्या हनुमान जी ने पहाड़ ही उठा लिया पूरा का पूरा, बहुत बढ़िया सर। उससे ठीक पहले एक चीज उन्होंने की थी, वो क्या थी? पहाड़ उठाने से ठीक पहले एक चीज उन्होंने की,
ग्रेट, उन्होंने नमस्कार किया, बहुत बड़े नतमस्तक होकर उस महाराज को नमस्कार किया, फैंटास्टिक। उससे ठीक पहले एक चीज उन्होंने और किया, अभी किसी ने कहा सामने से श्री राम जी का नाम लिया, ग्रेट, उससे ठीक पहले किया एक और चीज। ये चलता रहेगा सर, ये 15-20 मिनट चलता रहेगा, आप ऑप्शंस बता रहे हैं सर। एक ही चीज उन्होंने की थी, वो नतमस्तक हुए जरूर, नाम लिया भगवान का जरूर लिया। कोई कहेगा अपना साइज बढ़ा लिया क्योंकि इतना बड़ा पहाड़ उठा है, जरूर पढ़ा है। कोई कहेगा पहाड़ी उठा लिया, बिल्कुल उठा है 100%। इन सबसे पहले वो पहाड़ से नीचे उतरे, ये सब करने से पहले वो पहाड़ से नीचे उतरे हैं, क्योंकि वो जड़ी बूटी ढूंढने पहाड़ पर गए थे। और जब पता चला कंफ्यूजन है तो पहाड़ उठाना ठीक है, राम का नाम लेना ठीक है, लेकिन पहाड़ उठाना है तो पहले पहाड़ से नीचे उतरना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस प्रॉब्लम में खड़े होकर नहीं ढूंढे, प्रॉब्लम से बाहर निकलना पड़ता है। ये सबसे बड़ा लर्निंग है इन सब चीजों में। इसीलिए जितने भी स्टूडेंट्स अपने करियर नाम की चीज को अपना प्रॉब्लम समझ बैठते हैं, पहली बात मैं उन सबसे बात करना चाहता हूँ। मैं शायद यहाँ किसी से भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ऑनलाइन जो भी लोग मुझे स्पेशली और इसकी शुरुआत हम ही करते हैं। मैं जानता हूँ और मैं समझता हूँ कि एक प्रॉब्लम चल रही है, और ये प्रॉब्लम मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ क्योंकि मैं डेली रूटीन पे अप्रोक्सीमेटली डेली रूटीन पे लगभग 10,000 स्टूडेंट से हर हफ्ते इंटरेक्ट करता हूँ। और ये प्रॉब्लम इस वजह से नहीं है कि इंजीनियरिंग में नहीं खोट है, ये प्रॉब्लम इस वजह से है कि इंजीनियरिंग की डेफिनेशन में खोट आ चुकी है। सर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन में कोड अगर आप समझा देंगे तो मजा आ जाएगी। चलो और समझते हैं इंजीनियरिंग की डेफिनेशन में कोड कैसे आई। पहले समय था जब हम लोग इंजीनियरिंग या इंजीनियर वर्ड को बहुत प्राउडली यूज किया करते थे, हमें लगता था कि इंजीनियर एक बहुत बड़ा प्राउड डेफिनेशन होता था। बट अब ऐसा है कि इंजीनियरिंग नेक्स्ट करियर ऑप्शन बस, और उसके अलावा कुछ भी। अगर मैं किसी से पूछता हूँ या किसी से समझने चाहता हूँ कि आप क्या करना चाहते हैं, सर मेरे डैड इंजीनियर, मैं भी इंजीनियरिंग, मेरे फ्रेंड्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैं भी इंजीनियरिंग करूंगा। अच्छा, मेजरली डिसीजन इसी तौर पे लिए जाते हैं कि पापा का अधूरा सपना था इसलिए मैंने इंजीनियरिंग कर ली। इंजीनियरिंग इज नॉट समथिंग दैट यू हैव टू सिलेक्ट बाय मिस्टेक, ये मजबूरी नहीं है, ये शौक, और शौक को शौक की तरह ही जीना चाहिए। अगर कोई शौक को शौक की तरह नहीं जीता है तो वो इंजीनियर वैसे भी नहीं। आई मेट विद मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दोज हु आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े कंपनीज के बड़े बड़े पोजिशन पे अवेलेबल बैठे हैं, और मैं उनसे सिर्फ एक ही बात पूछता हूँ, क्या आप खुश हैं, आर यू हैप्पी? ऐसा बहुत है, सैलरी बहुत है, बट ना हैप्पीनेस की बहुत ज्यादा कमी। खुद का मालिक खुद बन सकते हो, बशर्ते हम जो शिक्षा हासिल कर रहे हैं वो पूरी तरह से अच्छी हो। इंजीनियरिंग करने के कई फायदे हैं, जो ढूंढेगा उन्हें प्रकाश दिखेगा और जो नहीं ढूंढेगा उन्हें अंधकार। सबके जीवन में रोशनी हो क्योंकि राष्ट्र यह नौजवानों का है। कैमरा पर्सन मोनू खान के साथ संजय मीरे, NBC न्यूज़ नागपुर।